ये गलत सोच है युवा। कोई सरकार दुनिया में 100% बच्चे को या छात्र को रोजगार नहीं दे सकती। आज बिहार सरकार में लगभग 15 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। बिहार सरकार, बिहार की आबादी है 12 करोड़, आप और 15 लाख दे दीजिएगा 20 लाख, कितनी बेरोजगार संभव, वो संभव ही नहीं। उनकी रोजगार जब तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगे, जब तक यहाँ पर ट्रेड नहीं बढ़ेगा, प्राइवेट जॉब नहीं बढ़ेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ेगा, तब तक ये समस्या हमेशा रहेगी। तो ये जरूरत है बच्चों को, छात्रों को, सरकार को ये बताओ, हमारे पूरे बिहार के आम जनता को भी, बिहार सरकार को ये पर ये दबाव डालनी चाहिए, जो हम लोग भी हाउस में करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, कि साहब हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ाइए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगवाइए। एक इंडस्ट्री, एक जिले में 4-5 इंडस्ट्री लग जाएगा, उस पूरे जिले का इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाता है उस 4-5 इंडस्ट्री के। ये आज सबसे बड़ी जरूरत है। ये जो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी की ताकत नहीं है धरती पर कि जितने लोग पूरे धरती पर हैं और उतने पूरे हमारे देश में हैं और प्रदेश में हैं, सबको नौकरी मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। नमस्कार, HS बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्यन प्रकाश। आज हमारे साथ हैं देवेश चंद ठाकुर, जो 2002 से लगातार बिहार विधान परिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे कैसी चल रही है इनकी तैयारी। मेरी तैयारी जो 18 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, तो उस समय जो शुरू हुई आज तक होती है, मैं चुनाव के समय तैयारी नहीं करता, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा क्षेत्र में एक्टिव रहता हूँ, सभी जनता के बीच में रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र का हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी तरह के सरकारी क्षेत्र का हो, हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती चुनाव, इसलिए मैं, ये मेरा चौथा चुनाव होने जा रहा है, पहले 3 चुनाव हो चुका है, जिसमें 2 बार मैं निर्दलीय जीता हूँ, 1 बार पार्टी से। इस बार मैं निश्चित रूप से फिर से अपनी नीतीश कुमार ने मेहरबानी की है और मैं जनता के बीच से। सर, इस बार युवाओं के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? बिहार में जो शिक्षा की हालत है, मुद्दे लेकर जाएंगे, उसमें निरंतर सुधार करने की जरूरत है, मुद्दे लेकर जाएंगे। और सरकार के पास जो समस्याएं हैं युवाओं का और पूरे शिक्षा जगत का, इनको उठाने के बाद अगर जाएंगे। युवा खासा नाराज है, उनका कहना है कि हम रोजगार है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, कैसे रोजगार उनको देंगे? नहीं, ये गलत सोच है युवा का। कोई सरकार दुनिया में 100% बच्चे को या छात्र को रोजगार नहीं दे सकती। आज बिहार सरकार में लगभग 15 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं, बिहार सरकार, बिहार की आबादी है 12 करोड़, आप और 15 लाख दे दीजिएगा 20 लाख, कितनी बेरोजगार संभव, वो संभव ही नहीं। उनकी रोजगार जब तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, जब तक यहाँ पर ट्रेड नहीं बढ़ेगा, प्राइवेट जॉब्स नहीं बढ़ेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ेगा, तब तक ये समस्या हमेशा रहेगी। तो ये जरूरत है बच्चों को, छात्रों को, सरकार को ये बताओ, हमारे पूरे बिहार के आम जनता को भी, बिहार सरकार को ये पर ये दबाव डालनी चाहिए, जो हम लोग भी हाउस में करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, कि साहब हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ाइए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगवाइए। एक इंडस्ट्री, एक जिले में 4-5 इंडस्ट्री लग जाएगा, उस पूरे जिले का इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाता है उस 4-5 इंडस्ट्री के। ये आज सबसे बड़ी जरूरत है। ये जो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी की ताकत नहीं है धरती पर कि जितने लोग पूरे धरती पर हैं और उतने पूरे हमारे देश में हैं और प्रदेश में हैं, सबको नौकरी मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आज मैंने बताया आपको लगभग 15 लाख मुलाजिम है बिहार सरकार की और 12 करोड़ ये है, तो कितना गैप है देख रहे हैं आप। 1% को भी आज नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं मिला है सरकारी क्षेत्र, इसलिए उस पर ज्यादा टारगेट नहीं रहना चाहिए, ना हमको रहना चाहिए, ना हमारे बच्चों को रहना चाहिए, ना छात्रों को रहना चाहिए और ना सरकार को रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जरूरत है कि यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ाए, ट्रेड बढ़ाए, इकोनॉमिकली स्टेट बढ़े। क्यों हमारे लोगों को यहाँ से मजदूर बन के जाना पड़ता है महाराष्ट्र और गुजरात और पंजाब वगैरह, क्यों जाना पड़ता है? आज क्यों नहीं ये लॉकडाउन हुआ, क्यों नहीं एक भी मराठी को जाना पड़ा बिहार को छोड़कर महाराष्ट्र, किसी गुजराती को जाना पड़ा, किसी पंजाबी को यहाँ से जाना पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरूरत है हमको यहाँ इंडस्ट्री बढ़ाने की, जरूरत है हमको यहाँ बिजनेस बढ़ाने की, प्राइवेट बिजनेस बढ़ाने की, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। युवा कहते हैं कि हर कोई आता है और जुमला देकर चला जाता है, आप अगर बात करें आपकी, तो विरोधी खेमे से आप कैसे अलग खुद को पाते हैं? मैं विरोधियों की बात नहीं करता, मेरा अपना जो काम है मैं करता हूँ और मुझे ऐसा कोई, अब देखिए मुझे जनता ने मेरे हमारे विरोधियों ने 2 बार निर्दलीय जीता है, इसलिए मुझे विरोधियों की बात, जुमला तो अब ये बात ऐसे है कि मैं प्रेस में नहीं कहना चाहता, जुमला हर कोई देता है, आखिर बिहार में क्या है? बिहार में अगर मैं वोट देने वालों से पूछूं तो क्यों जात पर वोट देते हो, क्यों नहीं काम करने वाले को वोट देते हो?
नीतीश कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं पिछले 20 साल से, पिछले 15 साल से, उससे पहले कौन यहाँ राज कर रहा है? क्यों उनको 15 साल रखा? कहाँ चला गया बैकलॉग पूरे बिहार का? उस समय इंडस्ट्रियल बैकलॉग कहिए, फाइनेंशियल बैकलॉग कहिए, क्रिमिनल केसेस में जो राइज हुए उसको देखिए, हर चीज खत्म हो गया, पूरी जनरेशन उस समय खत्म हो गई, उसके बारे में कौन जवाब देगा? इसलिए वो कहने वाला थोड़ा वोटर को भी सीखना पड़ेगा कि हाँ साहब, हम सही काम करने वाले नीतीश कुमार जैसे या नरेंद्र मोदी जैसे काम करने वाले लोगों को हम बैठक करें। ये नहीं कि हम जात के आधार पर इधर चले जाएं उधर चले जाएं, जात है तो सब कुछ है। आखिर इसका कोई कारण है ना, बिहार क्यों इतना बैकलॉग? क्यों दूसरे स्टेट से इंडस्ट्री, क्यों गुजरात में 25,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं बड़े बड़े, क्यों महाराष्ट्र में 25,000 से ज़्यादा हैं, क्यों नहीं बिहार में 25 इंडस्ट्री भी है? कौन जवाब देगा? कौन वोट दे रहा था ऐसे लोगों को इतने साल से, गलत लोगों के जात के नाम पर? आप देख रहे हैं कि कितना रेवोल्यूशनरी चेंजेस आया है नीतीश कुमार के राज्य, कितने रोड्स बने, कितने ब्रिजेस बने, इलेक्ट्रिसिटी पूरा आया। आप कहीं भी चले जाइए आपको लगेगा कि हाँ कोई सरकार है, पहले लगता था कोई सरकार है। इसलिए सिर्फ एक तरफा नेताओं को कोई दोष देता है तो मैं नहीं मानता, मैं मन से बोलता हूँ जनता को, जरा अपना भी सोचो उन लोगों ने क्या किया, कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर राज करने को दिया। बात करें विरोधियों की, विरोधियों ने अपना पर्चा दाखिल कर लिया, कैसी चल रही है उनकी तैयारी? उनकी तैयारी कैसे चल रही है आप हमसे पूछिए। अजीब है साहब, आप हिंदुस्तान समाचार का जरा स्टैंडर्ड ये कीजिए, विरोधियों की तैयारी क्या, हम क्या जानेंगे, हम तो जानते भी नहीं, मैं तो अपनी तैयारी की बात। आपकी नजर में क्या वो युवाओं के लिए भाप आ रहा है? ना ना, मैं ना विरोधियों की बात ऐसा है, मैं विरोधियों का क्या, हाउ शुड आई बी कंसर्न्ड, व्हाई शुड आई बी कंसर्न्ड, हमको क्या मतलब है किसी विरोधी, हम अपना काम करते हैं ना। आप हमारे बारे में पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा, मेरा विरोधी क्या कर रहा है, अगर मैं यही करूं तो मैं अपनी तैयारी क्या करूंगा, मैं चुनाव अपना क्या लड़ूंगा। आपको क्या लगता है सर, कोरोना काल में मतदाता जो है खुलकर मतदान करने मतदान केंद्र पर आएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई घर में बैठेगा। आप जान लीजिए कि नीट की परीक्षा अभी हुई, इतने तारीख को लगभग इकट्ठा हुआ होगा, पटना में 50,000 लोग एक्स्ट्रा गाड़ियां आई हुई है, तो नीट की परीक्षा देने जब 50,000 गाड़ियां निकल सकती है, यानी लगभग 4-5 लाख बच्चे नीट का परीक्षा दिया है। मैं उस दिन जा रहा था किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर, और 4 घंटे लेकर मैं नहीं पहुंच सका, इतना बड़े जाम हो गए। तो जब परीक्षा देने कोई आ सकता है, रास्ते पर जो हजारों गाड़ियां लग सकती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चुनाव आयोग अगर ये चुनाव कराता है तो दिक्कत है। सबसे आखिरी सवाल, आप एक कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि लगभग 18 साल से अपने कार्यकाल में आपने अपना वेतन नहीं लिया, क्या ये सही है? ये सही इसलिए है कि जितना वेतन मैं लेता हूँ वो ऐलानिया तौर पर जनता को दिखाकर जैसे वापस सरकार को दे देता हूँ या जनता के बीच दे देता हूँ। जैसे मैंने 2002 से 2008 की 8 की जो हमारी वेतन थी पूरे 6 साल, वो हमारे पूरे सरकारी हमारे त्रिभुज क्षेत्र के 2800 विधानसभा में, 500 लोकसभा में, जितने हाई स्कूल के उसमें जितने बच्चे टॉप किए हाई स्कूल में सरकार, उनकी पूरी सूची लेकर वो पूरा राशि मैंने उनको स्कॉलरशिप की राशि में बांधा 2002 से 2008 से 2014। आप याद कीजिए 2008 में कोसी की प्रलयंकारी बाढ़ आई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपील हुआ कि सभी विधायक अपना एक एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करें। मैंने एक ही चेक में पूरे एडवांस में 6 साल का वेतन उनको दे दिया, फोटो भी है मेरे किताब में। इसी तरह से मैं अपने पैसे को जनता के लिए। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं अगली बार जब मिले बातचीत पर चुनाव जीत कर युवाओं की परेशानी को दूर करें और सबके उम्मीदों पर खरा उतरे। आप देखते रहिए HS बिहार, मैं सत्यम प्रकाश।